देखो हम इंसानों से लड़ लेंगे, भूतों से नहीं लड़ सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाथ सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। हम जा रहे हैं। हाँ तो जाइए, मुझे भी आती है हनुमान चालीसा। चले गए। मुस्कान, मुस्कान। सॉरी बोल रहे। अरे हम डायरेक्टली दिल से सॉरी कह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी, चले जाइए यहाँ से। हम सच में भक्त नहीं, क्या कहते हैं, हम परेशान थे, हम पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा दिए। हमें दिल से हम माफी मांग रहे हैं, फॉरगिव यादव, मानते हैं हमसे गलती हुई है। देखो तुम्हें ढूंढते हो यहाँ तक आए ना, तुम समझो ना, हमसे गलती हुई है, माफ कर दो हमें। और तुम चलो बस, चलो घर से चलो। बहुत मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। आपके साथ उस घर में हर किस नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ रहोगी? कहीं भी, यहाँ मंदिर में रह लूंगी। यहाँ मंदिर में रहोगी? जानती हो ना मंदिर में और कौन रहता है? देवी माँ। अरे देवी माँ तो अंदर विराजमान है, यहाँ मंदिर में मतलब मंदिर के बाहर उस पेड़ देखो वहाँ पे, जानती हो वहाँ कौन रहता है? ये जो झाड़ियां हैं यहाँ, जानती हो कौन रहता है? ये जो खंडर है, जानती हो किसका घर है? जो हॉरर फिल्मों में जो भूत होते हैं ना, उनका घर है। और वो बात तो ठीक है, दिन में साले पेड़ तक सीमित रहते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है मंदिर के द्वार बंद होते हैं, बस साले निकल आते हैं। पूरे के पूरे मतलब पूरे फैमिली पिकनिक यहाँ मनाते हैं, जॉइंट फैमिली है सबकी, सिंगल भी है, सब मिल के यहाँ पे जाम खड़े हैं, यहीं पे जो तुम बैठे हो यहीं पे बैठते हैं, सब यहीं खाना ना खाते हैं, सब इंजॉय करते हैं। तो उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उससे तो अच्छा मैं यहीं भूतों के बीच में रह लूंगी, कम से कम इंसानों जैसी ट्रीटमेंट तो मिलेगी। जो भूत होते हैं उनसे इंसानों वाली ट्रीटमेंट मिलना अच्छा नहीं है। जानते हो क्या करते हैं इंसानों के साथ, तो पता है ना? देखिए आप फालतू में डरा रहे हो मुझे, ऐसा भूत भूत कुछ नहीं होता, मुझे पता है। और मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो मैं लड़ लूंगी भूत से, पर आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जाओ। देखो हम इंसानों से लड़ लेंगे, भूतों से नहीं लड़ सकते। पता नहीं कहां पर हो, यहां हो अभी तुम्हारे बीच में, पता नहीं कहां पर हो, तुम्हारे पीछे हो। ठीक है हम जा रहे हैं, पिकनिक मनाओ फैमिली के साथ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाथ सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। हम जा रहे हैं। हाँ तो जाइए, मुझे भी आती है हनुमान चालीसा। चले गए। हाँ निकट नहीं आवे महावीर जब
हमें माफ कर दो, हमें कुछ समझ नहीं आया, हम बहुत पैनिक क्या गए थे, हम बहुत परेशान थे, ताने क्या क्या बोल दिए। तुम तो जानती हो कि हमारा दिमाग हम मतलब सनकी है, थोड़े स्टूपिड है। सॉरी। समझती हूँ रौनक जी, उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ मायने नहीं रखती आपके लिए। मुझे लगा कि आप मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों हूं मैं आपके साथ, क्या कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, तो ये सब क्यों सोच रही हो? पता नहीं हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया उस समय। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जी ही क्यों रही हूँ, हम अम्मा का साथ मिल रहा है, हाँ आपको मेरा साथ चाहिए। सॉरी, एक और बार सॉरी, अब तो मान जाओ। रौनक सिंह, इससे पहले कि ये और डिप्रेसिया है, अपनी मम्मी को लेकर आज इसे आरती आंटी से मिलवा ही देते हैं। चलो हमारे साथ। कर? देखो हमने तुम्हें परेशान मतलब तुम्हें दुख दिया, फिर ये तुम्हें डराया है, अब हम तुम्हें खुशी देना चाहते हैं। आप सॉरी बोल चुके हो, एक बार नहीं तीन तीन बार काफी मेरे लिए। और ज्यादा खुशी, बहुत खुशी, इतनी खुशी कि तुम बर्दाश्त ना कर सको। पूरा एग्जाम यही लोगे सवाल होगा। चलो हमारे साथ, जल्दी गाड़ी में बैठो, तुम बताते हैं, और जल्दी से जल्दी। रौनक जी प्लीज बताइए ना, हम जा कहाँ रहे हैं? मुझसे ये सस्पेंस हैंडल नहीं होता। अरे बड़े बड़े परेशानियों को हैंडल करती हो, है? ये छोटा सस्पेंस हैंडल, तुम ये भी हैंडल कर लोगे हम जानते हैं। रौनक जी वापस चलिए। क्या? हाँ चलिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जहाँ जाना चाहिए उस जगह का तो आप नाम ही नहीं ले रहे। आपको घर जाना चाहिए रौनक जी। रौनक आप क्यों नहीं मिल रहे मेरे मेरे बच्चे से? रौनक आ जाएगा, रौनक आ जाएगा। सिंह साहब, आप किसी भी तरीके से रौनक को बुला के लाइए, अब उन्हीं के आने के बाद इनकी हालत में सुधार आएगा, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, नहीं डॉक्टर साहब चुप चुप बोलिए, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। इस तरह से ये इस शौक से बाहर आ ही नहीं सकती। सर आप अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर थेरेपी सेशन चल रहा है। रौनक जी हम यहाँ क्यों आए, कौन है यहाँ? अरे थोड़ा बेटी आओ, पेशेंस आओ थोड़ा, बता रहे हैं। मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ, आप इनका अच्छी तरीके से ख्याल, मैं कोशिश करता हूँ सर, अभी आता हूँ। सर आप अंदर जा सकते हैं, सेशन पूरा हो गया। भैया जी
आप हमारा फोन क्यों उठा रहे कब से? और वो आंटी जी क्या? आंटी जी क्या? हनुमान जी बोलिए। भैया जी आंटी की हालत बिगड़ती जा रही है, वो हॉस्पिटल में। उनकी हालत बहुत नाजुक है भैया जी, और डॉक्टर ने सिंह साहब को बोला कि आपको किसी भी हाल में वहां लेके आए, वरना माँ की हालत ठीक नहीं होगी भैया जी, और बिगड़ती जाएगी। आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ को क्या हो गया रौनक जी? हम जाके माँ को देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? भाई साहब। हाँ जी। आपने इसे कहीं देखा? बम बम बोले, बाबू वो दिन गए जब ढूंढने से भगवान मिल जाते थे, अब तो ढूंढने से अपनी रगों का खून भी नहीं मिलता। वापस आ गया, मुस्कान भी वापस आई। मुस्कान तुम वापस आ गए। देखिए नर्स, आराम से चले गए थे। अपनी माँ को कोई सताता है? बिना बताए कोई ऐसे जाता है क्या? बोलो ऐसे नहीं करोगे डॉक्टर? क्या हुआ माँ को? क्या देखे हमारी माँ बेहोश क्यों होगी? क्या हो गया माँ को? सब ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर साहब, बेहोश क्यों हो गए माँ? प्लीज बोलिए ना। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, अब ये पहले से बेटर है और इनका पल्स रेट भी पहले से स्टेबल है। मुझे लगता है एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो गई, पर अब ठीक है। पल्स रेट बहुत स्टेबल है, थैंक्स गॉड ये खतरे से बाहर है। अब आप लोग बाहर वेट करिए, पर कहीं जाइएगा नहीं। चिंता मत करो बाप, जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो चल के कॉफी लेते हैं। गायत्री की हालत देख। ए रौनक वाह, मुझे तेरा पता नहीं, लेकिन मैं गायत्री को इस हाल में नहीं देख सकता।
मैं हार गया रौनक, मैं और इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेरे चेहरे की तरफ देख रौनक, मेरे हारे हुए चेहरे की तरफ देख। तुझे संतोष करना है कर, नहीं करना है मत कर, लेकिन मैं हार गया रौनक, आज मैं हार गया और तू जीत गया। मैंने देखा उसे तड़पते हुए तेरे बिना और मुझे यकीन हो गया कि मेरे पापों को वो भूल भी सकती है, लेकिन तेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। रौनक, मैं इसका भागीदार नहीं बनना चाहता, मुझे कोई हक नहीं बनता। मैं मां बेटे को अलग नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता रौनक, मेरे इन आंसुओं को तुम सच मान रहे हो या नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी बातों पर कितना यकीन हो रहा है, और इसका कसूरवार मैं ही हूं रौनक। मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। मैंने फैसला कर लिया रौनक, मैं गायत्री जी को सब कुछ बता दूंगा। गायत्री, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन अब इस पापी को आपके सामने देवता बने रहने का कोई हक नहीं। बहुत दब लिया अपने पापों के तले, और मुझसे सब नहीं होगा। मैं जानता हूं ना, मेरे आंसुओं पर आपको विश्वास नहीं होगा, आप दोनों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन कल हो जाएगा। कल मेरी और गायत्री जी की 27वीं सालगिरह है। कल का दिन बहुत खास होगा हमारी जिंदगी में और आप लोगों की जिंदगी के लिए भी। कल इस पार्टी के बाद मैं गायत्री जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे मेरे परिवार के साथ ये आखिरी खुशी मना लेने दो। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद कहीं दूर चला जाऊंगा। रौनक, गायत्री को अच्छे तरीके से संभाल लेना। जिस काम में तेरा बाप सफल नहीं हुआ मैं अच्छी तरह जानता हूं रौनक, आप उसको भली भांति संभाल लोगे। मैंने बाप बनकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, अपनी इस पापी बाप की इतनी सी इल्तिजा मान लेना। आज हमेशा अपनी माँ के पास रहना, उनका अच्छा ख्याल रखना। ख्याल तो रखना ही होगा सिंह साहब, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें होश आ गया और वो अच्छा भी महसूस कर रही है, और वो रौनक और मुस्कान से मिलना भी चाह रही है। चला गया था बिना बताए, कहाँ गया था, ऐसे कोई करता है अपनी माँ के साथ? और कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे पापा ने मुझे बता दिया था। सुबह होने से पहले ही तुम लोग दार्जिलिंग चले गए थे ना, मुझे तो यही लगता है कि जरूर कोई बात है, बल्कि अभी भी यही लग रहा है कि कोई बात तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो मेरी बीमारी की वजह से। बोलो ना मुस्कान, कोई बात है? किसी से कह दे, किसी ने कुछ कह दिया था क्या? बताओ ना, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपनी माँ को नहीं बताएगी। माँ, तू इतना दिमाग क्यों लगा रही है? थोड़ा रिलैक्स कर, शांत रह, ठीक है? मैं आराम नहीं कर सकती जब तक तू बताएगा नहीं कि क्या बात थी। तू ऐसे नहीं जाएगा घर छोड़ के, बता क्या बात थी। माँ, कोई आपको कहीं छोड़ के नहीं गया गायत्री, और कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो क्या कहते हैं, रात गई बात गई, निकाल दो सब दिमाग से, कौन जो सब बातें कुछ आपके सामने खड़े हैं ना, सही सलामत आ गए ना आपका परिवार, और वो भी आपकी शादी की सालगिरह के एक दिन पहले। परिवार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आप बताइए आपको क्या चाहिए सालगिरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सलामती चाहिए, आपकी खुशियां चाहिए। जल्दी से ठीक हो जाओ, घर चलो। देखो वो सारे के सारे परिवार वाले चिंतित बैठे हैं घर में। सिंह साहब आप जल्दी ही इन्हें घर ले जा सकते हो। वैसे भी बेटों को देखने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया और अब तो हम भी सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। क्या कल सुबह तक? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे अभी रात को ही डिस्चार्ज कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं एक शर्त पे आपको डिस्चार्ज करूंगा, यदि आप घर जाके बिल्कुल आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो फिर ठीक है सिंह साहब, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ आइए। वो क्या कहते हैं गायत्री, वो क्लाइमेक्स अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है ना। अब कल सुबह का सूरज जो है आप तीनों के लिए एक नई उम्मीद और रोशनी की किरण लेकर आएगा।